Hello guys, welcome back to our YouTube reaction channel. Reaction Uduro. So guys, we are back with another soulful song. Today we are going to react. ये song मेरे सबसे सभी ने एक बार तो सुना ही होगा. But ये song है अरिजीत सिंह सर का और अगर तुम साथ हो ये ब्यूटीफुल सॉन्ग है. एक्चुअली बहुत लोग ने बहुत ही प्यार दिया था ये सॉन्ग को, तो हमने सोचा कि ये रिएक्ट कर लेते हैं. तो गाइस और चैनल में जो नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, लास्ट तक बने रहो. शुरू करते हैं. इसी तरह ये कॉम्प्रोमाइज है दर्शन में बहुत ही चमत्कार करो. वेट करो आएगा, कौन आएगा ये वेट करो. बहुत ही बढ़िया है. आई प्रॉमिस आई मायसेल्फ कि कर लूंगी. प्लीज समझ नहीं आ शुरू करो. I have seen this two or three times in my life. Great founders are everywhere. Okay. थोड़ा बड़ा था ना गाना शायद. ठीक है. But मैंने गाना तो बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन वीडियो पहली बार देखा. मैंने मूवी नहीं देखा हुआ है. हाँ, हमने तो ये एक्चुअली लिरिकली सुना था, बट ऑलमोस्ट मेरा मिडल में वो आता है ना वो फीमेल सिंगर के बाद. बट फीमेल सिंगर का वॉइस भी स्टार्टेड टू एंड तक टोटली डिसअपॉइंट नहीं होगा. गाना इतना कनेक्ट करता है कि वो फीलिंग्स को पूरा सपेरा. साथ में दीपिका और रणबीर कपूर, क्या उनका एक रियलिस्टिक एक्ट दिखाया ना, वो गाना को बहुत ही सूट कर रहा है. बहुत ही सूट कर रहा है। अभी मुझे पता नहीं चल रहा है ये वीडियो में देख के, मूवी देखने अभी क्या सीन होता है किस लिए. हाँ, मुझे आइडिया नहीं हुआ. वो स्टार्टिंग में कुछ झगड़ा होता है, कुछ इग्नोर कर देते, ऐसा कुछ है. मतलब एक एक सीन होता है ना लाइफ में भी. मतलब जो जब तक आपके साथ कोई रहता है उसकी वैल्यू नहीं रहती. द मोमेंट शी गोस, हाँ वो ऐसा हो गया होगा मिसिंग करेक्ट, हर और हिम लाइक दैट, करेक्ट। उस टाइम में उसको ऐसा होगा या वो होगा कि सिचुएशन में नहीं तू नहीं चाहिए ऐसा बोल दिया होगा गुस्सा में, बाद में वो फील होता है ना वो रिटर्न आके बोल रहा है ना, उसका मतलब दूसरे को कितना उसका फर्क होता है, क्या वो उसका अपोजिशन क्या हो जाता है, वो फील होता है। द वैल्यू वी स्टार्ट वैल्यूइंग द पर्सन व्हेन दे लेफ्ट, कभी साथ में होता है तो इतना मतलब बोल रहा हूँ ना केयरलेस जैसा ऐसा वैसा हो जाता है, लेकिन जब वो नहीं रहते हैं साथ में रहता है ना उस टाइम में कभी भी द मोमेंट यू स्टार्ट, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो किसी सिचुएशन हो या आप 2 मिनट का बात भी हो या माँ बाप का हो कोई हो सिचुएशन, आप कौन से भी रिलेशन रह सकते हो। हाँ कभी भी है ना, एक बार उसका मतलब समझ गया तो वो लाइफ में और नहीं करना चाहिए, उसको एक बार के लिए तो समझ जाना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एक बार चला गया ना 2 मिनट का, 2 मिनट में कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक बार वो बंदा अगर चला गया उसने अगर आप ये दिल से निकाल दिया वगैरह तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, मतलब वो झगड़ा करने के बाद जो इसको काम करके और ये करने की कोशिश करते हैं, फिर ही गोस एंड शी स्टार्ट सर्चिंग हिम, मुझे लगा नहीं मिलेगा शायद, मैं भी ऐसा फील किया था, तो लास्ट में उधर तो देखना है थोड़ा कुछ क्या होता है। हाँ मूवी देखने का मन करता है देखने के बाद। और गाइस आपको भी ऐसा लग रहा हो तो जल्दी से आप जाके देखो और साथ में कमेंट में बता दो कैसा आपको फील लगा और क्या हो सकता है ये मूवी देखा तो आपने भी, और कमेंट में बता दो। चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।